आखिर ऐसा क्या हुआ सबसे शांत रहने वाले देश के इस हिस्से में, जहां हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरने लगे लोग। एरिया जहां इस वक्त पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की, जहां लोग सड़कों पर प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसे पूर्ण राज्य बनाया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया गया, तो उस वक्त राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा, जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस वक्त तो इस फैसले को लेकर ज्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब वहां की जनता का कहना ये है कि वो नौकरशाही से परेशान हो चुके हैं और उन्होंने ये मांग की है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब राज्य को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए की जा रही है, और अब देखना ये होगा कि लद्दाख की जनता के इस मांग को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।